33 करोड़ में बिके ऋषभ पंत, लोकेश राहुल को बनाया आरसीबी ने कप्तान, जानिए चहल, ईशान और सुरेश की कीमत। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से ठीक पहले जियो सिनेमा पर एक आईपीएल मॉक ऑक्शन का आयोजन किया गया। इस नीलामी में ऋषभ पंत सबसे महंगी बिकने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्हें पंजाब किंग्स की टीम ने 33 करोड़ रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। पंजाब किंग्स ने इस खिलाड़ी को कप्तान के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है। पंजाब किंग्स के पास इस बार नीलामी के लिए पर्स में सबसे ज्यादा पैसे हैं। दोस्तों, इस मॉक ऑक्शन के दूसरे महंगे खिलाड़ी केएल राहुल रहे, जिन्हें आरसीबी की टीम ने 29.5 करोड़ रुपए देकर खरीदा है। आरसीबी की टीम ने भी केएल राहुल को कप्तान के रूप में ही अपनी टीम के साथ जोड़ा है। दोस्तों, आईपीएल नीलामी से ठीक पहले कराए गए इस मॉक ऑक्शन में सुरेश अय्यर पर एक बार फिर से केकेआर की टीम ने दाम लगाया और इन्हें 21 करोड़ रुपए में खरीद लिया। सुरेश अय्यर ने आईपीएल 2024 में केकेआर की टीम को विनर बनाया था और उनकी कप्तानी में कोलकाता ने आईपीएल में तीसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को इस मॉक ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। दोस्तों, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज युजेंद्र चहल पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने बड़ा दांव खेला और उन्हें 15 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम के साथ जोड़ा। चहल इससे पहले आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। चहल आईपीएल 2024 में राजस्थान के लिए खेल रहे थे, लेकिन राजस्थान की टीम ने उन्हें अगले सीजन के लिए टीम से रिलीज कर दिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन ऑलराउंडर मिचेल स्टार्क को मुंबई इंडियंस ने 18 करोड़ रुपए देकर टीम में शामिल किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आईपीएल की मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।